और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान शहीदों को याद करते हुए पुलिस के जवानों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के साथ भारी संख्या में पुलिस महकमा मौजूद रहा। आपको बता दें कि आज के ही दिन 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाद्रास्थित जनहीन क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त कर रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने फायरिंग करते हुए 10 वीर जवानों को शहीद कर दिया था। पूरे भारतवर्ष में पुलिस शहीद दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष 261 पुलिस पर्सनल जो है शहीद हुए, मध्य प्रदेश के कुछ 16 लोग शहीद हुए। तो ये हम उनके स्मरण में, उन्हें जो देश के लिए जो बलिदान दिया उसके स्मरण में है, उनके नमन करते हुए परेड हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 9th बटालियन के कमांडेंट के द्वारा यहाँ हमारे वीर जवानों की परेड आयोजित की गई।